अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। ये कल शाम को 2200 मतलब रात के लगभग 10:30 बजे के लोग हमारे जो प्रभारी निरीक्षक हैं सुनील तोमर अपने पुलिस बल के साथ में ये मुस्तफाबाद रोड पर गश्त कर रहे थे। मुखबिर ने बताया कि दो लोग जो लिफाफा गैंग के सदस्य हैं ये तमंचा लेकर के कुछ लूट के प्रयास लूट की जो है कोई योजना बना रहे हैं और यदि जल्दी की जाए तो ये पकड़े जाएंगे। इस पर ये लोग गए हैं तो इनको ये दो लोग आते दिखाई दिए और इन लोगों ने नज़दीक जाकर उनको जो है पकड़ने के लिए ललकारा तो उनमें से एक जो है नूर हसन और अनिल कुमार इन्होंने कहा कि पुलिस आ गई और इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। हमारे पुलिस के लोग बस्ते बचाते इनके नज़दीक गए और साहस करके इन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया। पकड़ने पर जब एक ने अपना नाम नूर हसन उस नूरा पुत्र सुगर अली निवासी ग्राम दिकतौली तथा दूसरे ने अपना नाम अनिल कुमार पुत्र मातादीन निवासी नगला मुल्ली बताया। इन लोगों पर मुरादाबाद फतेहगढ़ और आगरा में और यहाँ फिरोजाबाद में इन लोगों के कई मुकदमे इन पर दर्ज हैं और ये लुटेरे टाइप के व्यक्ति हैं, गंभीर अपराध करने वाले लोग हैं। आज हमारी पुलिस टीम ने इनको पकड़ा है और इनके खिलाफ जो है मुकदमा कायम किया गया। इनके पास से 2 अदद तमंचा 315 बोर, 2 कारतूस जिंदा 315 बोर और 1 खोखा बरामद हुआ है जो इन्होंने फायर किया था पुलिस पार्टी पे और इनके खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा कायम कर आज इनको जेल भेजेगा। सर लिफाफा से किस तरह से ये घटनाओं को अंजाम देते? देखिए आप जानते हैं कि ये लोग क्या करते थे कि किसी गाड़ी में बैठ जाते थे और फिर उसमें